आपसे पूछने चाहता हूं कि समाज में जब मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन का कारण भ्रष्टाचार है, हमारे जो पूंजी की प्राथमिकताएं उसको उल्टा करना, तोड़ना, तोड़ मरोड़ के करना, जो हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है, काला धन कारण है, और यहां तक कि इस पैसे के कारण चुनाव का यानी दोषित होना वो भी तीसरा कारण है। दुनिया भर के कुकर्म किया जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा, हम कोई पागल हैं? हम तो ईवीएम नहीं लगा उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में ही चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया, और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाई जाएगी।